श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास एवं हिंदूवादियों ने आज मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा ने नेतृत्व करते हुए कहा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी एवं ब्रजवासियों पर टिप्पणी कर महाधूर्त का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को धर्माचार्य बहिष्कृत करे। वही हिंदूवादी संगठन ने कहा कि राधा रानी की कृपा से ही यह धनाढ्य बने हैं, उन्हीं के नाम का दिया खाते हैं। गेट पे कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका गया है। प्रदीप मिश्रा ने हमारी आराध्य राधा रानी के बारे में जो गलत टिप्पणी की है उसके विरोध में यहाँ सभी ब्रजवासी आक्रोशित हैं। सभी ब्रजवासियों ने प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंक कर उसमें जूते चप्पलों से मार लगा के उसको गंदे नाली में पटका गया है। प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में जो इस प्रकार के बयान दिया है उस बयान माफी मांगने लायक नहीं है। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है इसके पास जो 1,000 करोड़ की संपत्ति है वो कहाँ से आई, उसकी जांच होनी चाहिए। ये लोग महिलाओं को बेवकूफ बनाकर टोटका बताकर गुमराह करते हैं और उनसे पैसा ठगते हैं। प्रदीप मिश्रा कहता है कि मैं बच्चे को पास करा दूंगा, ये टोटका कर लो, जबकि इसका खुद का बच्चा फेल हो गया। तो ये लोग टोटका बताकर तंत्र विद्या का प्रयोग करके हमारे देश के भोले वाले नागरिकों को ठगते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।